नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल वीडियो क्रिएशन और मोर स्पेसिफिकली लर्न बाय वॉच में हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये बताने के पीछे मेरे दो उद्देश्य हैं। कुछ लोग एजुकेशनल वीडियो चैनल बनाना चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये समझाने में मदद मिलेगी कि वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कोई भी टीचर करता है वीडियो बनाने के लिए, वो हो जाता है प्लानिंग। प्लानिंग के समय पर हमें ये सोचना होता है कि हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे, किन किन एनालॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स को बताएंगे, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। ये सभी चीज हमें प्लानिंग फेज में तैयार करनी पड़ती है। एक बार हम प्लानिंग कर लें उसके बाद हम कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। कंटेंट प्रिपेयर करने का मतलब है कि हम जिस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं उस तरह के वीडियो के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग का मटेरियल तैयार करते हैं, यानी कि या तो हम स्लाइड बनाएंगे या फिर नोट्स लिखेंगे या स्क्रिप्ट बनाएंगे, इस तरह की चीजें हम तैयार करते हैं। एक बार ये चीजें तैयार हो जाती हैं उसके बाद हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग अलग अलग वेज में की जाती है, जैसे कि हम टेबल टॉप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, टॉकिंग हेड वीडियो बना सकते हैं, या फिर हम एनिमेशन भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंटेंट की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाए उसके बाद ये वीडियो जाता है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के समय पर ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, ऑडियो को क्लीन किया जाता है, वीडियो को क्लीन किया जाता है। वीडियो में इंट्रो लगाए जाते हैं, आउट्रो लगाए जाते हैं और लोअर थर्ड लगाए जाते हैं। उसके बाद वीडियो रेडी हो जाता है। कई बार वीडियो में हमें भी क्लिप भी लगानी पड़ती है जिससे कि वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। एक बार एडिटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है ब्रांडिंग का, यानी कि लोगों को पुट करना, वेबसाइट का नाम डालना, ईमेल एड्रेस डालना, फेसबुक वगैरह के पते डालना, टीचर की इमेज डालना, टीचर का नाम लिखना, ये सभी चीज़ें ब्रांडिंग फेज में हम करते हैं। ब्रांडिंग होने के बाद हम वीडियो को करते हैं प्रोड्यूस। प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग। यूट्यूब के लिए अलग से प्रोडक्शन होता है, यूडेमी के लिए अलग से प्रोडक्शन होता है, विमियो के लिए अलग से प्रोडक्शन करते हैं, हमारी वेबसाइट पर रखना है तो उसके लिए अलग से प्रोडक्शन करते हैं, अगर वीडियो को डीवीडी में रखना है तो उसके लिए प्रोडक्शन का तरीका अलग होता है। प्रोड्यूस होने के बाद वीडियो को अपलोड किया जाता है। सो यूडेमी पर, यूट्यूब पर, विमियो पर, इन सभी जगह पर हम वीडियो को अपलोड करते हैं। जहाँ भी अपलोड किया जाता है उनके अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह से थंबनेल्स बनाने होते हैं। तो हालांकि हमारा वीडियो अभी अपलोड हो गया है लेकिन ये सर्च में अपीयर नहीं होगा, उसके लिए हमको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जहाँ पर हम वीडियो का टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन के हम लिंक डालते हैं हमारी वेबसाइट के लिए और भी कई मटेरियल के लिए। तो इतने पूरे प्रोसेस के बाद ही एक एजुकेशनल वीडियो तैयार होता है आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी है इस जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। आप हमसे संपर्क में बने रहिए। संपर्क में बने रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट learnbywatch.com को विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं जो learnbywatch नाम से अवेलेबल है। आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं learnbywatch@gmail.com। ये जो मेरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।